हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और बहुत सारे बच्चों ने जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के थे, उनके सामने एक समस्या ये आई थी कि वो हमसे ये पूछ रहे थे कि सर, जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, जो कंपलसरी पेपर है और संडे को है, कल मतलब 17 तारीख को, तो उसको जो है सर, हम लोग के एडमिट कार्ड में फर्स्ट मीटिंग में दिया हुआ है, जैसे और हमारे पेपर हुए तो उसके हिसाब से। और बाकी जो मतलब यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस निकाला है, उसमें भी कॉम वालों के लिए 2 से 4 के लिए लिखा है, तो हम किस समय पे जाएं, क्या करें? तो देखिए, हमने अभी कई लोगों से बात किया, कई कॉलेजों वालों से बात किया, और उनके हिसाब से जो निकल के आ रहा है कि जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है, आप उसी हिसाब से वहाँ पर जाइए, मतलब फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग में जाइए, और मेरे हिसाब से भी आपको फर्स्ट मीटिंग में ही जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान लेते हैं कि बहुत एट द वर्स्ट ये होगा कि फर्स्ट मीटिंग आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, तो फिर वो सेकंड मीटिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड मीटिंग के भरोसे रह गए, ठीक है, तो आप फर्स्ट मीटिंग में नहीं गए और फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम हो गया, जैसा कि मुझको पूरा उम्मीद है कि हो जाएगा, पूरी है कि चांसेस की हो जाएगा, तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है, सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनको इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर देना है, वो सुबह के ही टाइम पे चले जाएँ, जैसा कि एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है। सेकंड टाइम के लिए वेट ना करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है, वो अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लें और पहले ही टाइम पर जाके अपना एग्ज़ाम दें। ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए मेरा वीडियो था। ओके, थैंक यू।